ओम शांति। पुरुषार्थ और परिवर्तन। जितना तीखा पुरुषार्थ उतना ही तीव्र परिवर्तन होगा। आज की अव्यक्त मुरली को डबल अटेंशन के साथ सुनेंगे। बाबा ने कहा कि बाप दादा से ज्यादा बच्चों के पास पॉइंट है। तो पॉइंट तो बहुत है, लेकिन पॉइंट के स्वरूप में, अनुभव में, स्थिति में स्थित हो पा रहे हैं, यह चेक करने वाली बात है। दुनिया में विस्तार बहुत है, सबको सार चाहिए, लेकिन विस्तार का सार और सार का प्रसार प्रचार कैसे हो, इसके लिए हमें पॉइंट बनना और बनाना दोनों बहुत जरूरी है। तो पहले हम पॉइंट यानी ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, और बाबा पॉइंट, ज्योतिर्बिंदु और ड्रामा बिंदु, इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखना और उनको अनुभव में लाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा की बचपन की कहानियों में एक कहानी आती है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ को तीव्र कैसे किया। तो वो ब्लैंक पेपर पे पेन को बिंदी बिंदी यानी उस पर रखकर उठा देते थे और वो एक बिंदी हो जाता था, और मैं आत्मा बिंदी हूं इसका वो अभ्यास करने के लिए ऐसा किया करते थे। तो आप चाहे जैसे इस चीज का अभ्यास करें शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार, और ध्यान रहे कि कोई भी देहधारी हो, कोई भी वस्तु हो, यदि उसके प्रति अफेक्शन अट्रैक्शन होगा तो बाबा के तरफ से बुद्धि भटक जाएगी और वो व्यक्ति भी और आप स्वयं भी दुख का कारण बनोगे और जीवन को नष्ट करोगे। तो नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा, कि जब हम मोह को नष्ट करेंगे तो स्मृति में जो लब्ध है वो क्या होगा, स्मृति की जो बनावट है, प्राप्ति है, स्मृति में कौन रहेगा, यह निर्णय कर पाएंगे। तो मोह से नष्ट होकर एक बल, एक भरोसा, एक रस स्थिति में स्थित होकर अपने आप को पॉइंट समझकर शिव बाबा पॉइंट को याद करना है और नई दुनिया को स्थापना करने में तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाना है। मनमना भव कहना और सुनना नहीं है, उसे अनुभव में लाना है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का और आज की अव्यक्त मुरली को डबल अटेंशन के साथ सुनेंगे। ओम शांति।